इस वर्ष महाशिवरात्रि 11 मार्च को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। हर वर्ष महाशिवरात्रि का त्यौहार शिव भक्तों के लिए खास होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष महाशिवरात्रि दो महान युगों में मनाई जाएगी। ज्योतिषचार्यों के अनुसार 11 मार्च की सुबह 9:22 तक महान शिव योग और उसके बाद सिद्ध योग आरंभ हो जाएगा। ये दोनों योग पूजा आराधना में विशेष फलदायी माना जाता है। चलिए जानते हैं सिद्ध योग और शिव योग। सिद्ध योग और शिव योग को बेहद महत्वपूर्ण और प्रभावी योग माना जाता है। इस शुभ योग के दौरान जो व्यक्ति साधना और शुभ संकल्प लेता है उसके कार्य अवश्य सफल हो जाते हैं। शिव आराधना में इन योगों में समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। चलिए जानते हैं महाशिवरात्रि पर उपाय। इस योग में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होगा और जातक यदि अपनी राशि अनुसार भगवान की आराधना करेंगे तो इससे उनकी कई मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। इस दिन रुद्राभिषेक करना शुभदायक होगा। इस दुर्लभ योग में भगवान शिव की आराधना करने पर दोष भी दूर हो सकेंगे और कष्टों से मुक्ति मिलेगी। शनि षड्याति और ढेया से बचने के लिए महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का शमी पत्र अर्पित करें। इसके अलावा राहु केतु के प्रभाव को खत्म करने के लिए रुद्राभिषेक करें। चलिए आपको बता देते हैं महाशिवरात्रि पूजा का शुभ मुहूर्त। महाशिवरात्रि तिथि 11 मार्च 2021 बृहस्पतिवार का दिन। चतुर्दशी की तिथि प्रारंभ 11 मार्च 2021 को दोपहर 2:39 से। चतुर्दशी तिथि समाप्त 12 मार्च 2021 को सोमवार 3:02 तक। शिवरात्रि पारण समय 12 मार्च की सुबह 6:34 से शाम 3:02 तक। ऐसे और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।